आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हरैया विधानसभा 307 से सपा प्रत्याशी त्रंबकनाथ पाठक जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरैया से आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपके विकास का विजन क्या होने वाला है, आप वोट मांग रहे हैं, विपक्षी पार्टी या जो सत्ताधारी पार्टी हो कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, तमाम सारे प्रश्नों को लेकर हमने समय मांगा। हमारे साथ में पाठक जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टिकट का दौर चल रहा था जब, तो टिकट बहुत लेट में फाइनल किया गया यहाँ पे समाजवादी पार्टी के द्वारा, बहुत कड़े संघर्षों के बीच में, कई प्रत्याशियों के बीच में फिर आपका नाम आया। समर्थक आपके कह रहे हैं कि ये आपकी पहली जीत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी से हम दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2002 हरैया, 2012 कप्तानगंज जी। तो पार्टी ने सर्वे करवाया, सर्वे में नंबर एक हमको मिला, कम वोटों से हम दो बार चुनाव हारे हैं। पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके हमें चुनाव मैदान में उतारा। रह गई टिकट देने की बात लेट वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी और लोग अपना अपना टिकट देते हैं, सभी लोग पार्टियाँ तय करती हैं। उस हिसाब से जब पूर्वांचल के इधर तय किया गया जी, तो बस्ती जनपद में फिलहाल सूची में दूसरा नाम हमारा पहली बार आया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट देर की कोई बात नहीं है। हम लोग तो बहुत दिनों से 40 साल से राजनीति कर रहे हैं जी, जी। तो टिकट चाहे देर में मिले चाहे जल्दी मिले, हम लोग तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी, जनहित में काम कर रहे हैं, तो हमारे देर का कोई मतलब नहीं है। हमेशा से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात में रखा जा रहा, चुनाव लड़ रहे हैं जी। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? सर देखिए, जनता के मुद्दे पर हम जा रहे हैं। पहली बात तो चुनाव, यह चुनाव हमारी पूरी जनता चुनाव लड़ रही है जी। जो हरैया का दो तीन मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हरैया में 100 बेड का महिला अस्पताल पिछली सरकारों में शुरू हुआ था, जिसका अधूरा काम पड़ा हुआ है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उस 100 बेड के अस्पताल का निर्माण करवा कर उसकी सारी सुविधा व्यवस्था करके हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। शिक्षा स्वास्थ्य तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, हम लोग उसको बनवा करके उसका उद्घाटन करवा करके हरैया को समर्पित करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है माझा एरिया कटान का जी, नदी के कटान का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो एक ही कारण उसका है कि 15 साल तक जो नेता यहाँ पर हुए, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो गगुआ पुल से लेकर के कलवारी तक नदी का सीना चीर कर खोखला करते रहे। जब मशीन से खींचने वाली मशीन से उस बालू को निकाल लिया जाता था, तो अंदर से बालू निकल करके पूरा धरती बैठ जाती थी जी। 5 साल इधर, 5 साल का कार्यकाल लीजिए, अभी 15 गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जो नियम है, जो कानून है, अगर किसी का पट्टा होता है तो 2 फुट मिट्टी ऊपर से निकाल करके ले जाते हैं जी। अब उस पर पुगलैन लगा कर, JCB लगा कर 20-20 फुट गहरा करके बालू निकालने लगे। 15 गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसको, उस काम को रोका गया। लेकिन किया किसने? जो यहाँ के माननीय लोग थे, उन्होंने पट्टा दिलाया, वो खुद उस खदन में हिस्सेदार थे। अब जब उनकी सरकार थी, समय था, कार्यकाल पूरा हो गया, तो भी चले गए बैठ के। तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ के बंधा पर रहने वाले दोनों तरफ के निवासियों को अच्छी सुविधा दिया जाए, उनको रहने की व्यवस्था की जाए, जो दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी हम लोगों की है, पूरे विधानसभा की मानिए, पूरे ज़िले की मानिए, पूरे प्रदेश की मानिए, छुट्टा जानवरों का आतंक है जी। ये 5-5 किलो राशन दिए 100 रुपये का, 150 रुपये का थैला उसमें दे फोटो लगा करके, और रात को रात किसान हमारा लाठी डंडा लेकर, टॉर्च लेकर के उस भयंकर ठंडी में अपना खेत की रखवाली कर रहा है। उस समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी, हम अच्छे किस्म के गौशाला बनाएंगे, उसमें उनको रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा भूसा, अच्छा दाना उनको दिया जाएगा,
तो किसान का भी हित होगा, उन जानवरों की सुरक्षा होगी, गौ माता का सेवा होगा। यही सब तमाम मुद्दा है जी, विकास का मुद्दा है। क्योंकि आपके विपक्षी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, जो सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, तमाम सारे आपके हरैया विधानसभा में पौराणिक स्थल हैं, कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, इस नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपको लगता है विकास हुआ सर? नहीं, पौराणिक स्थल मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जो जन्मभूमि जी, विगत कई वर्षों से मुकदमा चल रहा था जी, पक्षकार लोग अपना पक्ष रख रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसमें सभी लोगों ने चंदा दिया, हम सब ने दिया, तो इसकी तो कोई बात नहीं है। धर्म के नाम पर न कोई राजनीति करना चाहिए, न चुनाव लड़ना चाहिए। धर्म सबका अलग अलग है, अपने धर्म का पालन करें, धर्म के हिसाब से अपना पूजा पाठ करें, हर चीज़ करें, वो तो अलग बात है। लगा विकास का मुद्दा है, आप स्वयं हमारे बगल के जड़ता के निवासी हैं, जिस सड़क से दुफेड़ी से चल करके आप आए हैं और रानीपुर बस्थनवा तक, जो कहते हैं पौराणिक स्थानों को हमने जोड़ा, तो मखौड़ा स्थान वही पौराणिक स्थान है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम की उत्पत्ति हुई। उस मखौड़ा धाम को जोड़ने के लिए रानीपुर बस्थनवा से जो संपर्क मार्ग गया है, आपने देखा उसी रास्ते से आप भी आ रहे हैं, क्या हालत है इसकी, क्या दुर्दशा है उसकी, गांठ गांठ भर गहरा गड्ढा हुआ है। यही तो विकास है इनका, हरैया की पूरा हमने तमाम गांवों का दौरा किया, वो भाई से लेकर तमाम जगहों पर चलना मुश्किल है, जो 10 मिनट का रास्ता है उसमें 1-1 घंटा लग रहा है। हम लोगों का एजेंडा है, हम लोगों की प्रमुखता रहेगी क्षेत्र के विकास के लिए, तमाम सड़कों को बनाया जाएगा। दूसरा यह है, कोई सरकारी विद्यालय जिसे मान्यता प्राप्त विद्यालय हमारे हरैया विधानसभा में कोई नहीं है, जो लोग किए हैं व्यवसाय के लिए अपना विद्यालय किए हैं, हमारी प्राथमिकता होगी एक अच्छा इंटर कॉलेज, अच्छा डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज एक हरैया में स्थापित करवा करके यहाँ के नौजवान बच्चों को, साथियों को, उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छी सुविधा दी जाएगी जी। सर, पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा है, अलग अलग वर्ग के लोग बन रहे हैं और नाम उठता रहा, जातिवाद लगता रहा है, आपको क्या लगता है जब आप विधायक बनेंगे तो आप किन 5 मुद्दों को विधानसभा में सबसे पहले जब आप जाएंगे बोलने के लिए उठाने का काम करेंगे सर, हरैया के लिए? नहीं, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है, सर्व समाज के लोग, गरीब अमीर छोटे बड़े सभी लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग 1 साल से पूरी तैयारी करके सबको जोड़े हैं, सबको जोड़ने का काम की जी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय मौर्या जी को, तो ऐसे तमाम लोगों को, तमाम छोटी छोटी पार्टियां, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके उन्होंने एक मजबूती दिया है जी। आप देखे होंगे जो पहला चरण का चुनाव हुआ है 58 में 50 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हमारा एजेंडा है, एजेंडा हमारा छप रहा है, कुछ एजेंडा पहले था, जो हमारा घोषणा पत्र है बन के आ रहा है, आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा, आप नहीं जो भी पढ़ेगा, जो भी घोषणा पत्र पढ़ेगा वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अभी देखे हैं कल परसों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है पूरे प्रदेश का टोल फ्री करेंगे, टोल फ्री मतलब 30 लाख से कम की जो गाड़ियाँ हैं उनको टोल फ्री कर दिया जाएगा, लगभग 1-2 गाड़ी छोड़कर सभी हैं। आप लखनऊ आए जाएंगे बस्ती से 1200 रुपये आपका टोल देना पड़ता है जी, तो ये फ्री किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तमाम योजनाओं को लागू करेंगे, घोषणा पत्र हमारा आ रहा है, हम लोग मंच पर आपको बताएंगे। 300 यूनिट बिजली आप फ्री जलाइए जो आप नहीं जला सकते हैं, सिंचाई पूरा फ्री किया उन्होंने, तमाम बच्चियों को पढ़ने के लिए लैपटॉप से लेकर के प्रोत्साहन राहत लैपटॉप लीजिए, जो भी लीजिए, योजनाएँ पहले चल रही हैं, समाजवादी पेंशन 500 से 3 गुना किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तमाम योजनाएँ हैं महंगाई को कम करने के लिए, 70 रुपये में डीजल देंगे, 75 रुपये में पेट्रोल देंगे, हम आपको खाद फ्री देंगे, आपको पेट्रोल फ्री देंगे, 24-25 तक जो कर्जा है, लोन है, उसको क्रमवार धीरे धीरे करके पूरा लोन माफ़ करेंगे। तो सब योजनाएं जो है, पिछला सरकार आपने देखा पूरा भ्रष्टाचार उठ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर रही है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, गाँव खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, रात को जाते हैं मोटरसाइकिल से इनके प्रत्याशी जाते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जी। सर, आप अपनी लड़ाई हरैया विधानसभा में किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई किसी से है ये नहीं, वह दोनों लोग अपना लड़ रहे हैं कि हम कौन आगे रहें कौन पीछे रहें, हमारी लड़ाई फाइनल है, हमारी लड़ाई यहाँ की देवपुर जनता, हमारे सम्मानित साथी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जनता जब लड़ने लगती है तो कोई लड़ाई में रहता वहता नहीं है,
जो माननीय है इनका कार्यकाल आप उन्होंने 15 साल उनका देखा, 5 साल इनका देखा जनता ने जी। एकदम आतंक था, उत्पीड़न था, भय व्याप्त था, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। जनता को हमने भी आश्वासन दिया है। कल आपने पदयात्रा देखा है हरैया में, आप स्वयं थे वहाँ पर, देखा है 2,500-3,000 नौजवान लड़के थे, 20 साल से लेकर के 30 साल के सभी नौजवान लड़के थे। एक उत्साह था, एक उमंग था, उसमें कोई हम बुजुर्ग में उम्र ज़्यादा हम ही सबसे उम्र के थे। सब लड़कों में तेज़ी थी, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, नारा लगा रहे थे जी। एक उत्साह देखा। आप कहीं जाइए, किसी गांव में जाइए, नाम ले लीजिए, लोग आपको घेर करके आपका समर्थन करते हैं। ये लोग जाते हैं, भगाए जाते हैं। इन दोनों लोगों के पास सिर्फ पैसे की ताकत है। हम तो क्षेत्र में निकलते हैं, जनता समर्थन करती है, और दोनों जेब में कोई 1,000 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 2,000, कोई 5,000 धीरे धीरे हमारे जेब में डाल देते हैं। कहते हैं भैया आप डीजल भराइए, आप चलते रहिए, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं जी। हरैया वासी जो भी आपको सुन रहे हैं, हरैया विधानसभा के होकर जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? या उनको एक बढ़िया साफ सुथरी सरकार देंगे, उनको उनका सम्मान होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, उनके विकास के लिए तमाम काम होंगे, रोजगार रोजगार दिया जाएगा। हम लोग बढ़िया यहाँ कॉलेज खुलाएंगे, बढ़िया फैक्ट्री लगवाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है गन्ने का बकाया बताइए साल साल नहीं मिल रहा है, MSP लागू करेंगे, फसल हमारी उसी दाम पर बिकेगी सरकारी रेट होगा। तो तमाम कल्याणकारी योजनाएं इनको लागू करेंगे। तमाम योजनाएं सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम पास कर देंगे। तो यही सब संदेश है, खुशहाली आएगी, हरैया का विकास होगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली लगेगा, सबको सुविधा दिया जाएगा। जब हमारी सरकार थी 12 से 17 तक करके, तो लोग कहते BPL सूची में नाम नहीं, आवास नहीं दे पाएंगे। हमारी सरकार ने व्यवस्था किया, समाजवादी आवास के नाम पर तमाम गरीबों का आवास बनाया गया, 3.5 लाख व्यवस्था की गई, सौर ऊर्जा दिया गया, नल दिया गया, शौचालय दिया गया। जो विकास उस सरकार में हुआ था उसी का नकल क्या कर रहे हैं, उसी का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी को शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पट्टाभू से जो सड़क है, ये समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था, अब पत्थर हटवा करके सांसद जी विधायक जी अपना पत्थर लगवा रहे हैं। आप व्यर्थता से देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क बनी थी वो बनी थी उसी पर अपना पत्थर की ओर लगवा रहे हैं। तो इन लोगों ने नया क्या किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन थी, शिला उन्होंने रखा था, बजट पास किया था। कुशीनगर में देखिए एयरपोर्ट का जो उद्घाटन कर रहे हैं, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बजट पास किया था। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे देखिए, मैं तो उस समय जब भाजपा में था, मैं दिल्ली जा रहा था अपनी गाड़ी से, और जब गाड़ी से मैं गया तो हमने तो यही तय किया था कि हम कहीं भी रहें अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मैं परिवार को ही दे पहला वोट मैं समाजवादी पार्टी के साकिल साल पर दूंगा। वो विकास देख करके, वो सड़क देख करके, जिस पर 22 महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़क बनवाया और फाइटर प्लेन उतार दिया, तो विकास हुआ है। मेट्रो देखिए लखनऊ में जो चली थी वैसे पड़ी है, जो बनी थी उसी का उद्घाटन करते हैं। तो जो तमाम योजनाएँ लागू हुई, ये कुछ नया नहीं कर पाए हैं, ये तो कल महंगाई बढ़ाए हैं, धार्मिक भावना पैदा करके दंगा कराना चाहते हैं, उसी पर वोट मांग रहे हैं। इनके पास मुद्दा क्या है, किस मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं, बस धार्मिक मंदिर मस्जिद यही करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे साथ में हरैया विधानसभा 307 से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से त्रंबकनाथ पाठक जी जुड़े हुए थे, जो कि हमने तमाम सारे मुद्दों को लेकर प्रश्न किया कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आपके विकास का विजन होने वाला। उन्होंने बताया कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है जो विकास का दावा करती है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो पिछले कार्यकाल में कार्य हो रहे थे या जो भी पास कर दिए गए थे उन्हीं रास्ते पर वो चलकर आज वो विकास का दावा करते हैं, जो कि यह पूरा झूठा है। हरैया विधानसभा की कितनी समस्याएं हैं, यहाँ पे क्या काम करेंगे पाठक जी, तमाम सारे विषय पर हमने फोकस किया और पाठक जी का उस पर अच्छे जवाब आया। आप सभी इस वीडियो को सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हरैया विधानसभा के जो भी वोटर हैं उन सभी के पास में ये वीडियो पहुँच सके और उनको पता चल सके कि जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में वोट मांगने आ रहे हैं उन सभी के विकास का विजन क्या होने वाला है, जिससे आप सभी को अपना प्रत्याशी चुनने में आसानी होगी। हमारे साथ में आप जुड़े और हमसे आपने बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।